how to delete Paytm account permanently in 2021. सो यहाँ पर 2021 में अपने Paytm के अकाउंट को परमानेंटली डिलीट किस तरीके से करना है. वेल, जो प्रोसेस एंड जो स्टेप्स है वो डिफरेंट है. आई मीन 2019 में थोड़ा अलग प्रोसेस था, 2020 में ये सिक्योर हो गया Paytm के अकाउंट को डिलीट करने का प्रोसेस, और अभी 2021 में ये और भी ज़्यादा सिक्योर एंड सेफ हो चुका है. और यहाँ पर आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो फॉलो करने पड़ेंगे अगर आपको अपना Paytm का अकाउंट डिलीट करना होगा 2021 में, बिकॉज अब ये पहले जैसा नहीं है. बिकॉज इंडिया में, स्पेशली इंडिया में, Paytm ऐप्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू फ़ोन पे, बिकॉज ये एक तरीके से इसका यूज़र इंटरफेस, इसका चार्जिंग प्रोसेस एंड जो ट्रांजेक्शन प्रोसेस है काफ़ी ज़रा क्विक एंड फास्ट है एज़ कम्पेयर टू फोन पे. तो इंडिया में स्पेशली Paytm ऐप को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, आउट ऑफ इंडिया आई डोंट थिंक सो. तो फिलहाल अभी अगर आपको अपना Paytm का अकाउंट डिलीट करना है परमानेंटली, तो एक बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आप सच में अपने Paytm के अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं परमानेंटली, तो ही आपको इस स्टेप्स को अप्लाई करना है. बिकॉज अगर एक बार अगर आपका Paytm का अकाउंट डिलीट हो गया तो उसके बाद उसको रिकवर करने का जो प्रोसेस है इट विल टेक लॉन्ग टाइम. सो कीप दिस थिंग इन माइंड बिफोर अप्लाइंग दिस थिंग. तो इसके लिए आपने Paytm अकाउंट में आपको पहले लॉगिन हो जाना है. लॉगिन होने के बाद आपको डायरेक्टली इस प्रोफाइल आइकन पे टैप करना है. तो लेट्स मैं यहाँ पे टैप कर लेता हूँ. टैप करने के बाद आपको इस 24/7 हेल्प सपोर्ट पे टैप करना है. देन इसके बाद यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है. स्क्रॉल डाउन करने के बाद कैटेगरीज वाले ऑप्शन में जाना है एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा एज यू कैन सी प्रोफाइल सेटिंग्स का. डस्ट आपको इस पर टैप करना है. अब उसके बाद यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पर चूज़ करना है आई वॉन्ट टू क्लोज एंड डिलीट माई अकाउंट. डायरेक्टली आपको इस पर टैप करना है. अब यहाँ पर पूरा का पूरा डिटेल बताया गया है कि किस तरीके से आपको अपना Paytm का अकाउंट डिलीट करने का प्रोसेस अप्लाई करना है. उसके लिए कुछ स्ट्रक्चर हैं जो आपको फॉलो करने हैं, तो मेक श्योर यहाँ पर जो भी मैं बता रहा हूँ वो आपको ध्यान से रीड करना है. तो यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है. पहला है टू क्लोज योर Paytm अकाउंट वी सजेस्ट द फॉलोइंग डिटेल्स टू बी फॉलो. तो यहाँ पर योर Paytm वॉलेट बैलेंस शुड बी लेस देन 1 आवर, यानी कि आपका Paytm वॉलेट का जो बैलेंस है वो पूरा का पूरा ज़ीरो होना चाहिए. अगर उसमें कुछ बैलेंस है तो आपको डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, अदरवाइज यूज्ड कर लेना है. सेकंड, योर Paytm बैंक सेविंग एंड FD अकाउंट बैलेंस शुड बी लेस देन 1. Paytm में ऑप्शन मिलता है आपको सेविंग अकाउंट क्रिएट करने का, FD अकाउंट क्रिएट करने का. उसमें अगर आपने ऑलरेडी कुछ क्रिएट किया है, उसमें कुछ अमाउंट है, तो मेक श्योर उसको आप पहले यूटिलाइज़ कर लो, बैंक में ट्रांसफ़र कर लो, बिकॉज वो भी आपका ज़ीरो होना चाहिए. सेकंड, योर Paytm बैलेंस शुड बी लेस देन 1 आवर, यानी कि जो Paytm में हम कुछ बैलेंस सेव करके रखते हैं इंस्टेंट रिचार्ज ट्रांजेक्शन के लिए, तो वो भी आपका ज़ीरो होना चाहिए. गोल्ड बैलेंस जो है वो भी आपका ज़ीरो होना चाहिए. सेम Paytm का पोस्ट पेड बैलेंस है. अगर आई नो यू गाइस आर ऑलरेडी नो के Paytm है में पोस्ट पेड बैलेंस का एक नया ऑप्शन देखने को मिलता है, तो अगर कुछ भी आपका पोस्ट पेड बैलेंस है तो मेक श्योर वो भी आपका पूरा, उसका जो भी आपका ड्यू है वो आपको कंप्लीट कर लेना है. उसका जो भी आपका पेमेंट कुछ भी बाकी है तो वो आपको पूरा पहले कंप्लीट कर लेना है, अदरवाइज आपका Paytm का अकाउंट डिलीट नहीं होगा अगर आपने पोस्ट पेड बिल पे नहीं किया है तो. उसके बाद अपने Paytm में ऑप्शन मिलता है आपको गेम्स प्ले करने का, तो गेम्स प्ले करके भी हम कुछ अमाउंट यहाँ पे जनरेट करते हैं, तो वो भी आपका पूरा का पूरा ज़ीरो होना चाहिए. हमें उसको पूरा यूटिलाइज़ कर लेना है. अब यहाँ पर कुछ एक तरीके से इम्पॉर्टेंट टाइप है, लेकिन यहाँ पर क्या है इम्पॉर्टेंट, इतना ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है. बट यहाँ पर इसको चाहे तो आप रीड कर सकते हैं, जो आपको एक तरीके से ज़्यादा बेटर भी रहेगा, बट इतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है. अब उसके बाद यहाँ पर आपको पूरा का पूरा डिटेल बताया गया है कि किस तरीके से आपका Paytm का अकाउंट डिलीट होगा. तो यहाँ पर आपको डाउन साइड में एक मैसेज अस का ऑप्शन दिया गया, राइट? अब यहाँ पर किस तरीके का प्रोसेस है, ये एक इम्पॉर्टेंट सा स्टेप्स है किस तरीके से आपको Paytm का अकाउंट डिलीट करना है. तो यहाँ पर पूरा मेंशन किया गया. अब क्या मेंशन है एग्जैक्टली, इस मैसेज का मतलब क्या है, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ. यहाँ पर आपको डाउन साइड में मैसेज अस का एक ऑप्शन दिया गया है. ये मैसेज पे जैसे आप टैप करेंगे तो आप एक डिजिटल फॉर्म में इंटर करेंगे Paytm के, वो डिजिटल फॉर्म आपको फिल करना है.
यस फिल करने के बाद वहाँ पर आपको एक अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है पेटीएम में वो आपको एंटर करना है और एक डॉक्यूमेंट अटैच करके उसका फ़ोटो कैप्चर करना है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। एक डिजिटल फॉर्म हो गया जो आपको यहाँ पे आगे मैं दिखाऊंगा। उसके बाद सेकेंड आपका रजिस्टर्ड पेटीएम मोबाइल नंबर, थर्ड आपका जो डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको ये तीन चीज़ रेडी करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर मैसेजेस पे फिल कर लेना है। अब यहाँ पर मैं डायरेक्टली इस पर टैप करता हूँ। अब ये वाला जो ऑप्शन है ये आपको तभी दिखेगा अगर आपका पेटीएम KYC कंप्लीट है। आप समझ रहे हो, पेटीएम KYC अगर आपने कंप्लीट किया है, अप्रूव्ड है, तो आपको ये फॉर्म दिखेगा, अदरवाइज़ आपको नहीं दिखेगा। अदरवाइज़ आप डायरेक्टली नॉर्मल डिलीट का प्रोसेस भी अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको तभी दिखेगा अगर आपका पेटीएम KYC कंप्लीट है। तो यहाँ पर आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना है और आप कौन सा डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करना चाहते हैं वो आपको चेकमार्क कर लेना है। उसके बाद आपको अपलोड करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर उसके बाद आपने जो भी अगर आपने पेटीएम में अपने बैंक अकाउंट डिटेल ऐड करके रखा है तो उसको अगर आप अनलिंक करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो वो बैंक अकाउंट का डिटेल आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। ये नॉर्मल सा डिटेल है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको वो बैंक अकाउंट का डिटेल ऐड करना है। अगर आपके पेटीएम बैलेंस में कोई भी वॉलेट बैलेंस है या कोई भी नॉर्मल बैलेंस भी है जिसको अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप उस बैंक अकाउंट का डिटेल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं जिसमें आप अमाउंट को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। देन उसके बाद ब्रांच ने भी यहाँ पर मैंशन है। अब यहाँ पर है आपको एक अपलोड फ़ोटो करना है, कोई भी आपको फ़ोटो अपलोड कर लेना है यहाँ पर। ये एक तरीके से इम्पॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करना। अब उसके बाद ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है और उसके बाद अगर कुछ भी आपको क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। एंड देन सबमिट डिटेल्स पे क्लिक कर लेना है। सबमिट डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पेटीएम में क्लियरली मेंशन किया है, वंस वी वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट्स यू विल रिसीव एन SMS एंड ईमेल विद अ लिंक टू क्लोज द अकाउंट। तो पहले जो भी आप अपना डिटेल, जो भी आपका फ़ोटो ID प्रूफ और उसके बाद आपका मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ये जैसे आप डिटेल इंटर करके अपलोड करके जब पेटीएम की टीम को सबमिट करेंगे उसके बाद पेटीएम की टीम आपकी डिटेल्स को वेरीफाइड करेगी। वेरीफिकेशन अगर एकदम प्रॉपर रहा तो उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर या तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आपको मेल आएगा या तो मैसेज आएगा, उसमें एक लिंक आएगा, उस लिंक पर आपको टैप करना है और उसके बाद आपका पेटीएम का जो अकाउंट है वो आपका इंस्टेंटली क्लोज्ड हो जाएगा। दैट्स इट। तो ये ओवरऑल सा इंटायर प्रोसेस है जो आपको करना है आपके पेटीएम के अकाउंट को डिलीट करने के लिए परमानेंटली। तो ओवरऑली यही है एग्जैक्ट प्रोसेस। इसी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का यूज़ करके आपको अपना पेटीएम का अकाउंट डिलीट करना है परमानेंटली 2021 में। अगर आप इसके रिलेटेड एकदम प्रैक्टिकल वीडियो चाहते हैं मेरे एंड से तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए। अगर मुझे ज़्यादा कमेंट आएंगे इसके रिलेटेड तो मुझे पता चलेगा कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, देन आई विल डेफिनेटली गोना मेक अ वीडियो रिलेवेंट टू दैट बाय स्टेप इन अ प्रैक्टिकल वे। बट जो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल में वो यही प्रोसेस होगा जो मैंने अभी आपको ओवरऑली कहा है। तो ओवरऑली ये है एक इंटायर सा प्रोसेस अपने पेटीएम के अकाउंट को डिलीट करने का परमानेंटली इन 2021। कुछ भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, हैव अ गुड डे।